नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूरे देश में इस वक्त कोरोना महामारी फैली हुई है। इस महामारी में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इस महामारी में, इस त्रासदी में अगर कोई परिवार आहत होता है या कोई क्षति पहुंचती है तो समाजवादी पार्टी उसे 1,00,000 रुपए देने का काम करेगी। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के रसूलपुर नरई गांव के रहने वाले हरबंश यादव पुत्र उदय राज यादव, जिनकी उम्र 25 वर्ष बताई गई है, वो ट्रक चलाते थे, जिनकी मध्य प्रदेश के गुना जिले में लॉकडाउन के दौरान घर आते समय दुर्घटना में मौत हो गई थी। बताया गया है कि अब अखिलेश यादव ने मृतक की मां के खाते में 1,00,000 रुपए की सहायता भेजी है। यह सहायता मृतक की माता मुनाकी देवी के खाते में 15 जून को भेजी गई है। इसी संबंध में बुधवार को आजमगढ़ जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हवलदार यादव और सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी जयराम सिंह पटेल ने उनके प्रतिनिधि के रूप में मृतक के घर पहुंचकर अखिलेश यादव द्वारा भेजे गए चेक की कॉपी और शोकाकुल परिवार को सहानुभूति व संवेदना प्रकट की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने क्या कहा, आइए देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान जो पैदल ट्रकों से, गाड़ियों से, साइकिलों से लोग आ रहे थे, उसमें ये नरईपुर के हरिवंश यादव की भोपाल में मृत्यु हुई थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि यह समय बहुत कष्ट का समय है, ये गरीबों के परिवार में जो मृत्यु हो रही है, मृत्यु के बाद ऐसे परिवार में कोई सहारा नहीं बच रहा है। समाजवादी पार्टी ऐसे कठिन समय में जो मृतक परिवार हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, रास्ते में आते जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जा रही है, उनके परिवारी जनों को 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता करेंगे।